हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज एम मैन एंड एन वुमेन आर टू बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू वुमेन सिट टुगेदर। इफ एम इज ग्रेटर देन एन, देन शो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड इज एम फैक्टोरियल एम प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल। सो द की कॉन्सेप्ट एन पी आर। ठीक है, अब एनपीआर होता क्या है? एनपीआर इज नथिंग बट परमुटेशन। ठीक है, अब परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अरेंजिंग आर आइटम्स फ्रॉम ए सेट ऑफ एन आइटम्स। सो हमारे पास क्या है? एक सेट है एन आइटम्स का और हमें उसमें से नंबर ऑफ वे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, किसको अरेंज करने के लिए? ऑफ अरेंजिंग आर आइटम्स। सो बेसिकली अगर मैं एनपीआर लिखती हूं तो एनपीआर की वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर एम मैन, सो दिस विल बी इक्वल टू एम पी एम। सो दिस कैन बी रिटर्न एज एम फैक्टोरियल। फाइन, फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि वुमेन आर टू बी सीटेड इन अ रो, एन वुमेन आर टू बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू वुमेन सिट टुगेदर, नो टू वुमेन सिट टुगेदर। सो अगर हम बात करते हैं, सिंस नो टू वुमेन कैन सिट टुगेदर then there are only m plus 1 places available for women to sit. So since n women can be arranged in m plus 1 places, so ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा m plus 1 p n ways. So अगर हम total number of ways making sit men एंड वुमेन निकालते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये जाएगा एम प्लस वन पी एन, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये जाएगा हमारा एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस वन माइनस एन फैक्टोरियल। फाइन, सो ये हमारा कितना हो जाता है? दिस इज इक्वल टू एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल। सो क्वेश्चन में हमें यही शो करना था। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।